हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारा जो पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, प्रीवियस वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएशन की वीडियोस होंगी। तो ये वाली उसकी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम इवैल्यूएशन के बारे में ही बात करेंगे, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो उसमें आज किस टॉपिक पे, उसके सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अचीवमेंट टेस्ट एज एन अप्रिशियल टूल्स, यानी कि एक मूल्यांकन प्रवृत्ति के रूप में उपलब्धि परीक्षण। जितने भी आपके अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वो क्लासरूम में जो टीचर्स बनाती है, वो किस टाइप से बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं और उसका यूज़ क्या है, वो टूल्स के अकॉर्डिंग जो यूज़ किए जाते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि अचीवमेंट टेस्ट के अंदर जो आपके लिए सारे टेस्टेस मेंटेन किए गए हैं, हमने पहले बात करी थी पुरानी जो अभी प्रीवियस वीडियो थी, कि वहाँ पे हमने टाइप ऑफ टेस्टेस पढ़े थे अपने, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हम रखते हैं वो टाइप। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे अचीवमेंट टेस्ट एज एन अप्रिशियल टूल्स क्या हैं, मतलब एक मूल्यांकन प्रवृत्ति के रूप में उपलब्धि परीक्षण आपको क्या रखने हैं। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि निर्मित उपलब्धि परीक्षण, और सेकंड है हमारा स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइप है हमारा अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इसको टाइम टू टाइम क्लासरूम के अंदर यूज किया जाता है टीचर के द्वारा, टीचर मेड बोला है तो यानी कि टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं अचीवमेंट टेस्ट ये वाले। इसमें क्या होता है, इसमें वैलिडिटी भी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है, लेकिन मानक यानी कि नॉर्म्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपका रिलायबिलिटी भी होती है, यानी कि आप बच्चों का ये भी चेक करेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए आज उन्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं और 6 महीने बाद आप क्वेश्चन चेक करोगे सेम, तो तब उसे कितना मार्क्स मिल रहा है, तब दोनों में डिफरेंस तो नहीं है ज़्यादा, तो ये भी आप चेक करोगे टीचर मेड टेस्ट में। और वैलिडिटी यानी कि एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी आप उससे अचीव करोगे, जो भी टेस्ट आप ले रहे हो बच्चे का, जिससे भी रिलेटेड आपको टेस्ट लेने हैं, आपको ये पता है कि मुझे इस टॉपिक या इस कंटेंट से रिलेटेड बच्चे का टेस्ट लेना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे कौन सा आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। अब जब ऑब्जेक्टिव सेट है तो उसको अचीव भी करेंगे, तो अचीव कर लिया तो आपका क्या हो गया, वैलिडिटी हो गई क्वेश्चन में, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो वैलिड हो गया, यानी कि वैध हो गया, ठीक है। तो ये दो गुण उसमें क्या है, आपको देखने को मिलेंगे टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको जो नॉर्म्स थे, यानी कि जो मानक थे, वो देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब इसको आप एजुकेशनली इसका कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसे सिर्फ इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे की नॉलेज आपके कंटेंट के प्रति हुई या नहीं हुई, बच्चे ने कितना अचीव किया कितना नहीं किया, बच्चा उससे रिलेटेड कुछ भूल तो नहीं गया, कोई कमी तो नहीं आ गई, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रही, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस वे में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे उसका कोई नॉर्म्स नहीं रखेंगे, उसको किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे, उसको परसेंटेज नहीं देंगे, उसको किसी ग्रेड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करेंगे, उसका कुछ भी एजुकेशनल डाटा नहीं होगा। या इट मीन्स जो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने टीचिंग पर्पस यूज़ के लिए, कि आपको एक कंटेंट से रिलेटेड कितनी नॉलेज हुई या कितनी नॉलेज नहीं हुई, ये चेक करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक या दो बार ही यूज किए जाते हैं, उसके बाद बार बार यूज नहीं किए जाते, सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला काम होता है कि आपने किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टेस्ट किया कि बच्चे ने अचीव किया या नहीं किया, तो बच्चे ने अचीव कर लिया तो आपका पर्पस पूरा हो गया, देन आप इसको यूज़ नहीं करोगे और इसका कोई आप डाटा मेंटेन नहीं करोगे एजुकेशनली, कि बच्चे को किसी कैटेगरी में डिवाइड कर दो कि बच्चे ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला, सी, या बच्चे के 33% आए, 45% आए, ठीक है।
तो हमने परसेंटेज किस में रखी थी, वो नॉर्म्स में यानी कि मानक में रखी थी, तो ये चीज़ इसमें नहीं आएगी टीचर मेड वाले में, लेकिन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़रूर आएगी कि क्वेश्चंस की स्पष्टता हो, वैलिड हो क्वेश्चंस, आपको सही ऑब्जेक्टिव गेन कराने में हेल्प करते हो, जिसके लिए भी आप टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट यूज़ कर रहे हो एक बारी, ठीक है। और सेकंड चीज़ उसको इस रूप में भी यूज़ कर सकते हो कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कि आज आप जिस क्वेश्चन को यूज़ कर रहे हो कल भी उसी को करो। देखो वैलिडिटी तो रिलायबिलिटी तो हर चीज़ में हर क्वेश्चंस में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक घंटे पहले कोई टेस्ट लिया है, बच्चों ने वहाँ पे अच्छे मार्क्स अचीव किए या आपको अप्रोप्रिएट आंसर दिए, लेकिन आप एक हफ्ते बाद वही सेम क्वेश्चन बच्चों से कर रहे हो या वही चीज़ सेम पूछ रहे हो और बच्चे क्या है वहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं, तो वो गलत बात है, क्योंकि फिर वो तो ठीक नहीं है ना। ऐसे तो जब तक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, ईयरली एग्ज़ाम्स होंगे, तब तक तो उनके दिमाग से सब कुछ गोल हो जाएगा। तो इसीलिए वैलिडिटी का जो ऑप्शन है, रिलायबिलिटी का जो ऑप्शन है, वो होना कंपलसरी है हर उसमें, कि आपके हर बार जितने बार टेस्ट लिया जाए आपको सेम मार्क्स मिले और सेम आप परफॉर्म करो, ठीक है। तो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका, यानी कि मानकीकृत होता है। इसके अंदर आपके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स भी होते हैं, यानी कि एजुकेशनल इसका यूज़ होता है। आप इसके अंदर रिलायबिलिटी भी देखेंगे कि आज आपने जो क्वेश्चंस अचीव मतलब बच्चों से पूछा है, 10 महीने बाद 11 महीने बाद पूछते हैं तो उसका सेम आंसर रहेगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को सेम मार्क्स मिलेंगे या चेंज हो जाएंगे। और वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो आपको अचीव कराने में कितने हेल्प कर रहे हैं या कितने हेल्प नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर नॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्म्स आपको कैटेगरी डिवाइड करती है कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, जिस हिसाब से बच्चा परफॉर्मेंस देता है उस हिसाब से आप उसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज आ गए, डिफरेंट डिफरेंट उसको कैटेगरी या ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, जो केवल एक या दो बार यूज़ किए जाते हैं, इनके कोई एजुकेशनल डाटा नहीं होता, ये सिर्फ कुछ अचीवमेंट्स चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि बच्चे ने इससे रिलेटेड अचीवमेंट पूरी कर ली या नहीं कर ली, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है कि इसमें एजुकेशनल रिकॉर्ड होता है इसका, इसका बेसिक डाटा रखा जाता है, इसके अंदर नॉर्म्स, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी तीनों चीज़ ध्यान में रखी जाती है, और इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज यूज़ किया देन थ्रू आप कभी यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप पूरे साल, पूरे 2 साल, पूरे 10 साल तक आप इसको स्टैंडर्डाइज को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे आजकल एजुकेशनल में डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप ऑफ स्पेशल टूल्स थे अचीवमेंट्स के, एक तो टीचर मेड अचीवमेंट और दूसरा स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर। आपको पता है कि आपको टेस्ट कैसे लेना है, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करना है क्लासरूम के अंदर, क्वेश्चन पेपर के थ्रू करेंगे, तो स्टेप क्या है मेक प्रिपेयरिंग फॉर क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर को क्या क्या स्टेप वाइज बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स देखते हुए बनाएंगे क्वेश्चन पेपर, कि ये स्टेप आपको रखने हैं, इसी रूप से क्वेश्चन पेपर मेंटेन करना है, ताकि उसके अंदर वो क्वालिटी, वो वैल्यू हो, जिससे आप बच्चे के जो पॉइंट इवैल्यूएट करना चाहते हो वो चीज़ इवैल्यूएट कर पाओ, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग अ डिज़ाइन। सबसे पहले आप एक ढांचा, एक डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे कि आपको कौन सी क्लास के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना है, किस लेवल का सेट करना है, कौन से कंटेंट से रिलेटेड करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग कितनी रखनी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे, ये सारा क्या है, एक ढांचा प्रिपेयर करोगे, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करोगे, एक डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, कि वो 1 पेज में आना चाहिए, 2 पेपर्स में आना चाहिए, या उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, बाइलिंगुअल होनी चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आप ध्यान में रखकर प्रिपेयरिंग आर डिज़ाइन, मतलब एक डिज़ाइन को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता
आता है प्रिपेयरिंग अ ब्लू प्रिंट, यानी कि आप एक ब्लू प्रिंट रेडी करोगे, मतलब उसका नमूना तैयार करोगे। एक होता है ना कॉपी तैयार करनी, कार्बन कॉपी तैयार करनी, वो आप तैयार करोगे। ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मेंटेन कर दोगे, बिल्कुल नहीं। पहले एक आप रफली एक ब्लू प्रिंट रेडी करोगे कि आपका सब्जेक्ट ये है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स इतने हैं, टाइमिंग्स ये हैं, इतने घंटे का है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने हो गए, लैंग्वेज ये हो गई, इस वे में हो गए, पेजेस ये हो गए। तो ऐसे करके एक ब्लूप्रिंट रेडी करोगे आप, पहले एक उसका नमूना तैयार करोगे, देन आप क्या करोगे थर्ड में राइटिंग एंड एडिटिंग द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ब्लूप्रिंट में कोई क्वेश्चन आपको इंक्लूड करना है या कोई लेस करना है, किसी में कुछ गड़बड़ है, तो उनमें एडिटिंग करोगे। अगर किसी की लैंग्वेज ठीक है नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसकी लैंग्वेज ठीक करोगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चनिंग ज़्यादा या कम है उसको ठीक करोगे, लैंग्वेज ठीक करोगे, उसकी जो क्वालिटी है वो चेक करोगे कि क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग जो बातें बोली जा रही हैं बच्चा उस वे में ना लेके डबल मीनिंग में ले रहा है। तो इसीलिए राइटिंग करोगे एंड एडिटिंग करोगे क्वेश्चंस के अंदर। दो फोर्थ पॉइंट में आप क्या करोगे लास्ट में, राइटिंग द मेकिंग स्कीम। तो उसके बाद देन आप एक स्कीम रेडी करोगे, इट्स योर फाइनल स्टेप कि आप इसके अंदर क्या करोगे। जो भी आपने ब्लूप्रिंट रेडी किया था और नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग रेडी करी थी, देन आप उसको एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करवाओगे, उसको मेक करोगे कि राइटिंग द मेकिंग स्कीम। लास्ट में आप क्या करोगे एक स्कीम बना लोगे कि इस हिसाब से मेरा अप्रोप्रिएट आंसर ये होना चाहिए, दैट्स उसको प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, हार्डली 5 or 8 minutes का ही है। तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेप जब पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम आप प्रिपेयर डिज़ाइन प्रिपेयर करने के बाद कौन से स्टेप को ध्यान में रखोगे, तो देन आपको ब्लूप्रिंट या फिर उल्टा करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र बनाते टाइम कौन कौन से स्टेप ध्यान में रखे जाते हैं, तो उसके अंदर ऑप्शंस आपको दे देंगे, या कौन सा नहीं रखा जाता कि ये तीन ऑप्शंस दे दिए चौथा कोई अदर ही दे दिया, तो आपको वो सेलेक्ट हटा के करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा था कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। ये मेन चार स्टेप को ध्यान में रखना है। फर्स्ट आप डिज़ाइन मेकिंग करोगे, उसके बाद आप एक ब्लूप्रिंट रेडी करोगे, उसके बाद आप एडिटिंग करोगे, राइटिंग करोगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखोगे और जो भी आपको अप्रोप्रिएट चीज़ें चाहिए वो करोगे, देन फाइनली आप क्या करोगे स्किम रेडी करके आप अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपली कि टाइप ऑफ टेस्ट्स कितने होते हैं, मतलब टाइप ऑफ टेस्ट। आपके टाइप ऑफ टेस्ट कितने होते हैं, मतलब जो भी आप परीक्षा ले रहे हो वो कितने प्रकार से ले सकते हो। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपको दिया गया है इंडिविजुअल, सेकेंड आपको दिया गया है ग्रुप, ओके। फर्स्ट स्टेप है आपका इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, और सेकेंड स्टेप है आपका ग्रुप यानी कि समूह। तो आप कोई भी जब टेस्ट लेते हो तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि आप इंडिविजुअली किसी बच्चे का टेस्ट ले सकते हो या ग्रुप में ले सकते हो। आप इंडिविजुअली कैसे ले सकते हो, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्बल क्वेश्चनिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे ओरल टेस्ट होते हैं आपके, इंटरव्यू मेथड यूज़ कर सकते हो, डिस्कशन मेथड यूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स कहाँ पे यूज़ हो गए आपके व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर, जहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रख के उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट आता है आपका ग्रुप, यानी कि जब आप एसे टाइप क्वेश्चनिंग करते हो तो उसमें क्या करते हो, 100 बच्चों को एक साथ बिठाया, 2 घंटे का टाइम सेट कर दिया और 100 बच्चे क्या है, 1-2 घंटे के टाइम में ही आपको आंसर करते हैं। सबके लिए 2-2 घंटे होते हैं, लेकिन एक आपने बल्क में अपने हिसाब से केवल 2 ही घंटे दिए, लेकिन सबके हिसाब से क्या हुए, 2-2 घंटे 100 बच्चों के लिए डिवाइड हो गए। ठीक है,
वो हो गया आपका ग्रुप, यानी कि ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, ग्रुप डिस्कशन में, इन सब चीज़ों में क्या है, आप ग्रुप टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो कि आप एक ग्रुप के अंदर बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। ये आपके टाइप ऑफ टेस्ट है, इसमें इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ नॉर्मली कि टाइप ऑफ टेस्टेस कितने होते हैं। ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सी चीज़ें लर्न करनी है कि टाइप ऑफ टेस्ट कितने हो गए, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप। इंडिविजुअल आपको पता है पर्सनली किसी को इवेल्युएट करना, और सेकेंड एक ग्रुप में इवेल्युएट करना, जैसे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हो, और जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होता है उसके अंदर आप सबके लिए डिवाइड कर देते हो टाइम। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है उसमें क्या है, आप ऑब्जेक्टिव या पर्सनली किसी को इंटेरोगेट कर सकते हो, वो हो गया आपका इंडिविजुअल, ठीक है। अब उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्निक्स और टूल्स दोनों सिमिलर हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैम टूल्स ऑफ इवेल्युएशन बोला था, ये क्या चीज़ है। टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं, देखिए टूल्स वो होते हैं और टेक्निक्स वो होती हैं। टूल्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर मान लीजिए आपने घर पे वॉशिंग मशीन खरीदी है, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के साथ कोई किट आई होगी, कोई टूल आई होगी, आप टूल किट जिसे बोलते हैं। आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ भी एक टूल किट आई होती है। क्यों आई होती है, कि कभी आप गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको खोलने के लिए जो औजारों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप उसका यूज़ करके उस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, औजार यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, उसकी टूल किट हो गई। तो यहाँ पर भी जो इवेल्यूएशन की टूल किट है वो क्या है, कि आप इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएट की नहीं, मेथड्स के थ्रू ही तो करेंगे। तो मेथड्स ही या टेक्निक्स ही आपकी होती हैं टूल्स, कि जिन जिन मेथड का यूज़ करके आप बच्चे को इवेल्युएट करते हैं वो होते हैं आपके टूल्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है मेथड टेक्निक्स और टूल्स में, मेथड टेक्निक्स टूल्स तीनों एक ही चीज़ हैं, और जो आपके सिलेबस में मेंशन है वहाँ पे टूल्स दिया हुआ है। तो इसीलिए मेरे पास क्वारी आ रही थी कि मैम टूल्स करवाइए, टूल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, गूगल पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो टूल्स अलग से कोई चीज़ नहीं है, टूल्स बेसिकली ये है कि जिसके द्वारा आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी स्किल या टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिसके द्वारा आप बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, आप कोई ना कोई टेस्ट रखेंगे, कोई ना कोई मेथड ही यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे वही मेथड और जो टेक्निक्स हैं आपकी वही टूल्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। ये हैं आपके टेक्निक्स यानी कि टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टेक्निक्स के बाद टूल्स, तो आप क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए मेरे पास कि टेक्निक्स मैम आपने पढ़ाई टूल्स नहीं पढ़ाए। तो सेम चीज़ है जिस जिसके थ्रू हम इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन की विधियाँ, अब बात करते हैं कि मूल्यांकन की विधियाँ ऐसी कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं, या क्लासरूम टीचिंग के अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्या है इवेल्युएट प्रॉपर रूप में इन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे का व्यक्तिगत यानी कि जैसे पर्सनालिटी होती है, बच्चे का मेंटल यानी कि मानसिक, ये सारे टेस्ट आते हैं जिसके अंदर आप आईक्यू लेवल निकालते हो, ठीक है। तो उसको आप बच्चे को कैसे इवेल्युएट करते हो, कि हर किसी का एक आईक्यू लेवल अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होते हैं, हर किसी का एक मेंटल लेवल अलग होता है, ठीक है। तो उसी वे में क्या है, आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि बच्चे के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल सब बच्चे कैसे अलग होते हैं, तो आप उसी रूप में क्या है बच्चे को टीच करोगे। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर बच्चे की मेंटल एबिलिटी की पता लगानी है, उसकी शारीरिक चीज़ों के पता लगानी कि वो फिजिकली कितना एक्टिव है कितना नहीं है, उसका मेंटल लेवल कितना है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, और बाकी वो कितना स्ट्रांग है, उसकी क्षमता कैपेबिलिटी कितनी है किसी को काम को करने के प्रति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर हम इस मेथड के थ्रू बच्चे को इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे ने ये चीज़ काम किया तो ये काम क्यों नहीं किया, अच्छा कि बच्चे का आईक्यू लेवल इतना नहीं है या मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है, तो आपको वहाँ पे बच्चे को फिर ट्रीट करना है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, आप यहाँ पे ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आती है, ठीक है। सेकेंड आपका आता है इंटरव्यू।
इंटरव्यू मेथड से आप कैसे किसी को इवेल्यूएट कर सकते हो। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, पर्सनली आप किसी से बातचीत करके, इंटरव्यू करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स वाले बंदे देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या है, घर घर जाके उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, ठीक है। तो वो जो जिससे इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिनसे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उससे क्या है, एक तरह का वो इंटरव्यू होता है कि सामने से जो सेल्स पर्सन होता है वो उसकी क्वालिटीज़ बताता है, जो कस्टमर होता है वो उसकी क्वालिटीज़ पूछता है, क्वेश्चनिंग करता है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें वो क्यों नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे ही आप बच्चों से भी क्या है, पर्सनली इंट्रैक्ट करके जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं या जिसको भी चीज़ को आप इवेल्युएट करना चाहते हो, इवेल्युएशन करनी है, आप पर्सनली इंट्रैक्ट करके बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हो, उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आप बच्चे को क्या है, पर्सनली क्वेश्चनिंग करके पर्सनली इवेल्युएट कर सकते हो, इंट्रैक्ट करके पर्सनली कि आपने ये चीज़ करी, ये चीज़ क्यों नहीं करी, आपको ये चीज़ आई, ये चीज़ क्यों नहीं आई, तो इस वे में, ठीक है। तो वो हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है, साक्षात्कार, यानी कि आपको पर्सनली किसी से कन्वर्सेशन करनी है, किसी के साथ इंट्रैक्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, आप बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हो अपनी क्वेश्चनिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है, आपका इतिहास जाना जाता है, मतलब आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपका डाटा निकाला जाता है। जो भी टीचर आपको इवेल्युएट कर रही है वो क्या करेगी, जब आप अपनी माँ के गर्भ में होंगे, मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब से लेके अब तक का आपका सारा डाटा कलेक्शन करेगी कि आपकी मदर के प्रेगनेंसी टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, जो कॉम्प्लिकेशंस हो गई हो आपके ऊपर, उसका प्रभाव देखने को पड़ा हो, जैसे होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर किसी लेडीज़ के साथ कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका असर बच्चे पे होता है, या फिर वो मेंटली डिप्रेशन में चली जाती है तो उसका असर होता है, होता है ना, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम में कि खुश रहो, हैप्पी रहो, कुछ ज़्यादा डिप्रेस मत रहो, बच्चे पे असर पड़ेगा, खाओ पियो और अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, तो ये सारी चीज़ें क्यों करवाते हैं, क्योंकि बेबी पे उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए केस स्टडी के अंदर जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से लेके अब तक का जितना भी डाटा कलेक्शन होता है, जितना भी रिकॉर्ड्स होता है, वो सारा केस स्टडी के अंदर लिया जाता है कि एक बच्चे का जब वो गर्भ में था तब उसकी सिचुएशन कैसी रही थी, एक हेल्दी थी कि नॉर्मल थी, या फिर उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, या उसके साथ कोई इंसिडेंट क्रिएट ना हुआ हो, कोई बीमारी ना हुई हो जिसका इफ़ेक्ट उसकी ऊपर पड़ रहा हो बच्चे के ऊपर, फिर उसके पैदा होने के बाद, यानी कि उसके बर्थ के बाद अब तक की जो सिचुएशन रही थी कि वो पहले वाले स्कूल्स में कैसा था, केवल ये नहीं कि एजुकेशनली अच्छा हो, बाकी फील्ड में कैसा था, ये सारा जो डाटा कलेक्शन होता है वो किसके अंदर रखा जाता है, वो केस स्टडी में रखा जाता है, यानी कि इसके थ्रू भी आप बच्चों को एप्रोप्रिएट तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो कि तब से लेके अब तक बच्चा कैसा रहा, तो अब उसका मेंटल लेवल क्या होगा, अब उसकी एज कैसी होगी, अगर अब तक बहुत अच्छा रहा है अचीवमेंट्स में और बाकी चीज़ों में तो अब भी आगे अच्छा रहेगा, तो अब आपको क्या करना है, आपका एज अ टीचर फर्ज बनता है कि आप उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करो वहाँ पर, ठीक है। और अगर कुछ बच्चा वीक है, मेंटली रिटायर्ड है, तो आप उसके ट्रीटमेंट करवाओ, उसके गार्जियंस या पेरेंट्स से बात करो उसके ट्रीटमेंट के लिए, या उसको ऐसी टेक्निक से पढ़ाने के लिए ताकि उसको आगे और अच्छा सीखने के चांसेस मिले, ओके। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी क्या है, आप बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हो, कैसे, मान लीजिए आपको बच्चे को क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्वेशन करना है कि आपने बोल दिया कि आज चलिए पढ़ाई का मन नहीं है, आज हम पढ़ाते नहीं हैं, आप अपनी अपनी बुक्स खोलिए और सेल्फ स्टडीज़ करिए, ठीक है, और जिसको जो करना है वो करिए, तो कुछ बच्चे होंगे हेड डाउन करके बैठ जाएंगे, कुछ गुपचुप बातें करेंगे, कुछ खेलने लग जाएंगे, कुछ बच्चे डीपली स्टडीज़ कर सकते हैं कि चलो मुझे ये टॉपिक नहीं आता मैं इस पर कर लेता हूँ, या कुछ मैम से पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है ये समझा दीजिए, तो वहाँ पर क्या आप बच्चों को पर्सनली इवेल्युएट कर सकते हैं कि किसका फोकस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, किसका पढ़ाई की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं है, किस वे में बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, कौन बच्चा खेल मस्ती में ज़्यादा है, कौन नहीं है। इसके अलावा
आप ऑब्जर्वेशन कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, प्लेवे ग्राउंड हो या कहीं पे भी हो, बच्चा खेल रहा है आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा फिजिकली कितना स्ट्रांग है, वो स्पोर्ट्स में कितना ध्यान देता है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, तो वो इवैल्यूएशन के थ्रू आप ऑब्जर्वेशन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि आत्म प्रतिवेदन। सेल्फ रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, बच्चा खुद के बारे में इवैल्यूएशन करके आपको बताता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड किस टूवर्ड्स है, या फिर उसको कहीं पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो क्यों करनी पड़ रही है, उसको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। लेकिन सेल्फ रिपोर्ट के अंदर बच्चा खुद के लिए एक रिपोर्ट रेडी करता है जिसमें अपनी बातें करता है। मतलब अगर आप बच्चों से क्लासरूम में भी क्वेश्चन पूछोगे कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, चलो हाथ खड़ा करो, तो बच्चे हैंड रेस करेंगे, मुझे मुझे पसंद है, तो आपको इससे क्या है, उनका इंटरेस्ट पता चलेगा। और यही चीज़ें अगर बच्चे अपने खुद से लिख कर दें आपको, या डाटा कलेक्शन दें कि आपने उनको कोई चेकलिस्ट दे दी जिसमें बच्चों को आंसर्स करने हैं, तो इस टाइप से क्या है, आप बच्चों की एक सेल्फ रिपोर्ट रेडी करवा सकते हो जिसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी के बारे में आपको खुद बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचित अभिलेख पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में, कि इसके अंदर आपका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर जो आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपके लिए इवैल्यूएशन के पार्ट्स हैं, उन सभी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर आपका पुराने से लेके अब तक का जितना रिकॉर्ड है वो संचित अभिलेख रखा जाता है, मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता है। और केवल आपका एजुकेशन से रिलेटेड डाटा नहीं रखा जाता है, कि केवल एजुकेशन से रिलेटेड आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स रख दिए कि आपने मैथ्स में इतने अचीव किए, साइंस में इतने अचीव किए, नहीं, उससे अलग आपका सारा डाटा किस रूप में कलेक्ट किया जाता है, आपका मेंटल लेवल इतना है, आपने स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया, आपने रनिंग में इतना अच्छा किया, आपको ये वाला मेडल मिला, सिल्वर मिला के गोल्ड मिला, आपने चेस खेली उसमें इतना अच्छा किया, परफॉर्म किया डांसिंग और इसमें इतना अच्छे मार्क्स लिए, ट्रॉफी मिली, सेकंड पोजीशन आई, या डिबेट में गए तो वहाँ पे ये 0 नंबर मिले, तो इस टाइप का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर आपका मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डाटा कलेक्शन किया जाता है अकेडमिकली और नॉन अकेडमिकली, वो होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि संचित अभिलेख पत्र, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है, तो याद रखना क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो आपका डिपेंड होता है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट्स पे आपका डिपेंड होता है, ठीक है, उसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स आपके देखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 7th पॉइंट, एनेक्डेंटल रिकॉर्ड, यानी कि घटनावृत्त। घटनावृत्त मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, घटनाएं घट रही हैं, तो उसके अंदर आप किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हो, किन को छोड़ते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, बाइक और गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आप चलते चलते एक आप अपनी नॉर्मल स्पीड में हो, पैदल चल रहे हो या गाड़ी में हो, बाइक पे हो, कैसे भी हो, मतलब तो आपने एकदम से एक झलक में देखा कि एक्सीडेंट हो गया और आगे निकल गए, लेकिन आप जब उस सिचुएशन को रिकॉल करोगे तो आपने कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया उस 1 या 2 सेकंड में और कितनी चीज़ों को छोड़ दिया। हो सकता है कि इतनी सी देर में आपने गाड़ी का नंबर तक देख लिया हो, या कुछ बच्चे होते हैं गाड़ी का नंबर ना देखा, उसने बस देखा कि हाँ कोई भिड़ गया, बात खत्म, ठीक है, लेकिन किसी की ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज़्यादा हो कि उसने ये देख लिया हो कि बंदों ने किस बात पे लड़ रहे थे, या बंदों का जो एक्सीडेंट हुआ उन्होंने कौन कौन से कलर के कपड़े पहने थे, उनकी गाड़ी का नंबर क्या था, और गाड़ी वाले की गलती थी या बाइक वाले की गलती थी, तो ये सारी क्या चीज़ें होती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर रखी जाती है, जो आपकी सिचुएशन चल रही है, जो आप अभी घटनावृत्त चीज़ें कर रहे हो, जिसमें आप जितना ऑब्जर्व करते हो और जितनी चीज़ें छोड़ देते हो, उसका डाटा एक आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि घटनावृत्त के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल, यानी कि निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाती है और उसके रेटिंग्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी रेटिंग्स होती हैं,
नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग हो गई, यहाँ पे मार्क्स हो गए नंबर ऑफ, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ठीक है। अब मैंने सेम क्वेश्चन मीना से पूछा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो आंसर मिला तो मैंने उसके लिए क्या 2 मार्क्स दे दिए। सेम क्वेश्चन मैंने सीमा से पूछा, सीमा के लिए मुझे क्या आंसर वही मिला तो उसको 3 मार्क्स दे दिए। तो ऐसे रेटिंग स्केल के थ्रू आप बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं कि किसने आपको कौन सा आंसर दिया, क्या अप्रोप्रिएट दिया, क्या अप्रोप्रिएट नहीं दिया। तो रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग भी आप बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तब जब लास्ट में जाके आपके पास एक डाटा मिलेगा, आपको जो डाटा कलेक्शन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पे किस बच्चे का फोकस ज़्यादा था, किस पे किस बच्चे ने ज़्यादा आंसर अच्छा नहीं किया, या 0 मार्क्स मिले तो उसको उस पे ध्यान देना है या नहीं देना, ठीक है। लास्ट में आता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर एक लिमिटेड टाइम के अंदर डाटा कलेक्शन किया जाता है, मतलब एक निश्चित समय की अवधि के अंदर आपके साथ डाटा कलेक्शन किया जाता है। वो डाटा कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके क्लासरूम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके घर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के अंदर बेसिकली आप कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, एक निश्चित समय अवधि में जो आप क्रियाएँ कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कि आपने मैथ्स के पीरियड में क्या काम किया, कैसे किया, क्या क्या आपकी स्किल्स रही, साइंस में कैसे किया, होमवर्क आप किस रूप में करके लाए, आपके घर में आप कैसे बिहेव करते हो, सोसाइटी में कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं आपकी पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। ये थे आपके टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 9 टाइप्स के हैं, 9 तरह से आप बच्चों को इवेल्यूएट कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसके अंदर आप बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक रूप देखते हैं कि बच्चा कितना मेंटली स्ट्रांग है, आईक्यू लेवल कितना है, और मानसिकता कितनी है, और बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सेकेंड में आप इंटरव्यू रूप से बच्चे को जज कर सकते हैं पर्सनली इंटेरोगेट करके। थर्ड केस स्टडी के द्वारा, यानी कि आप बच्चे का जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तब से लेके अब तक का डाटा कलेक्शन कर सकते हैं कि बच्चा तब तक अभी नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, नॉर्मल से नीचे रिटायर्ड में है, या बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो आगे उसी रूप में आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आप कहीं भी क्लासरूम में, स्पोर्ट्स क्लब में, लाइब्रेरी में आप बच्चे को ऑब्जर्व करके इवेल्यूएशन कर सकते हैं। सेल्फ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसा दे दिया जाए जिससे बच्चे अपनी फीलिंग शेयर करें, इंटरेस्ट बताएं, बाकी चीज़ें एप्टीट्यूड वगैरह कैपेबिलिटी आपके साथ शेयर कर सके, तो पर्सनल रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ें रख सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट में। उसके बाद आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में मैंने बताया आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट पे बेस्ड है, यानी कि आपके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, इमोशनली आप कितना स्ट्रांग हो, क्या करते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड की जाती है, ठीक है। उसके बाद एनेक्डोटल यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं घट रही हो उसमें आपने कितना ऑब्जर्व किया, कितना अचीव किया और कितना छोड़ दिया। और उसके बाद रेटिंग स्किल यानी कि निर्धारण मापी में क्या करते हैं आप रेटिंग स्किल के थ्रू बच्चे को जज कर सकते हैं क्वेश्चनिंग एंड उसके मार्क्स आप किस किस रूप में उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर भी यही चीज़ है कि एक निश्चित टाइम लिमिट होती है आपके पास, एक टाइम लिमिट के अंदर आप बच्चे के किसी भी टाइप का डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, वो कहीं से भी हो सकता है, आपका प्रेजेंट लाइफ का, पास्ट लाइफ का, फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनेशन, या उसकी सोसाइटी, फैमिली, क्लासरूम, कहीं से भी रिलेटेड आप उसको जज इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेक्निक्स के साथ यहाँ पे इवेल्युएशन का ये वाला सब पॉइंट ख़त्म होता है, अभी इवेल्युएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट शायद एक क्लास और होगी इवेल्युएशन की, उसमें मैं आपके लिए ट्राई करूँगी कि 30-40 मिनट में पूरा इवेल्युएशन फिनिश हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं रह गया है, आई थिंक एक थ्योरी रह रही है, या हार्डली, क्योंकि थ्योरी थोड़ी बड़ी है जो ब्लूम की है, जो इससे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है वो थ्योरी, तो वो क्या है आपकी, मैं उसको अगर ज़्यादा नहीं तो एक क्लास के अंदर हम उसको ख़त्म कर देंगे, 1 या 2 में, यानी कि 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो इवेल्यूएशन को उस पॉइंट के साथ ख़त्म करेंगे वहाँ पे। अभी ये छोटा सा ही था तो ये डिस्कस कर लिया, समझ भी आ गया होगा ये होप आप सबको, तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको KVS PGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपकी क्वेरीज हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना लेंगे, वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।